हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं फाउंडेशन का टेस्ट नंबर 6, ठीक है, जो कि हमारा मॉडल नंबर 2 है। और आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर डिस्कशन केमिस्ट्री का, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं 51 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट भी लगा दें, जिससे हम लोग अपना ये जो पेपर डिस्कशन है अच्छे से स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलो, तो अपने मिशन नीट के साथ हमें भूलना नहीं है। हमारा जो मिशन है, हमारे सर का मानना है, हम सबका मानना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं अपने पेपर डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 ये बोल रहा है, इन विच कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दे रखे और बोला जा रहा है कि कौन से कन्वर्जन में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, ये याद रखना। अब क्या करना है, अगर हम इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2.5, है ना, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। सेम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ट्रिक यूज करिए ना आप सभी ने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बॉन्ड नंबर देखते हैं। एन के लिए अगर हम बात करते हैं, N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पर अगर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए भी सेम, ठीक। अब ये जो होता है, ये केस एक्सेप्शन होता है, ये केस क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इसका यहां पर कितना होता है, 3 होता है, लेकिन CO प्लस के लिए कितना होता है, 3.5 हो जाता है। तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगा इस कन्वर्जन में। सेम अगर हम फोर्थ ऑप्शन के लिए करें तो कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक, इसके लिए 1.5 हो जाएगा। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ग्रेटर है, CO और CO प्लस में ये जो कन्वर्जन हो रहा है, तो इट मींस बॉन्ड लेंथ किसकी डिक्रीज कर रही होगी, थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्लियर, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ये नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन SF6 मॉलिक्यूल, ठीक। SF6 की अगर आप बात करते हो तो याद करो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, SF6 का sp3d2, कितना होता है, sp3d2 होता है। पूछा क्या जा रहा है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहां पर ऑर्बिटल गिन लो, 3, 4, 2, 6, ठीक, 6, कितना हो जाएगा आंसर, 6 इज द राइट आंसर। समझ में आया, तो कितने यहां पर हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पर देखो SF6 है ना, तो यहां पर SF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, और ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल गिन लो, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 6 हो गए, बाकी के ऑप्शंस गलत, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, है ना, लोन पेयर नहीं है एक भी, सारे जो है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 सारे जाकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, द शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज, PCl5 मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है ये बताना है। तो बताओ जल्दी से क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, PCl5 का इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ठीक। देखो सारे जितने भी हैं इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, सारे बॉन्डेड पेयर हैं। पी के वैलेंस जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, पांचों जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, ठीक। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो हमारे यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें वो कैसा होता है, वो होता है यहाँ पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्लियर, ठीक है, समझ आया इतना, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही
सेम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? थर्ड ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन मिथेन मॉलिक्यूल, यानी कि CH4 में जो परसेंटेज ऑफ पी होता है वो कितना होता है आपको बताना है। मिथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ सबसे पहले कितना होता है? मिथेन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि ये कितना है? 75%, यानी कि 3/4, 75% हम बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 75, ये 25% हो गया, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 75% हो गया। 75% का मतलब 3/4। ठीक है, समझ आया यहाँ तक की चीजें? क्लियर है? तो इस तरह से भी इसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 3/4 × 100 कर दोगे तो ये कितना आ गया? 25, 25 × 3 = 75। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अलोंग विद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बोथ 1 और 2 और नन ऑफ दीज। ठीक, तो यहां पर कौन सा होगा आंसर? सिग्मा बॉन्ड। अगर देखो आप कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप, ये SS के लिए हो गया। SP के लिए अगर आप बात करो तो क्या हो जाएगा? इस तरह से। ठीक, P और P के लिए, ठीक, हेड टू हेड ओवरलैप। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, डन। यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई? नोट डाउन कर लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलर बॉन्ड्स व्हिच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर अमंग गिवन मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से आपको बताना है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलर बॉन्ड्स, यानी कि पोलर बॉन्ड होने के बाद भी कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो CH2 होगा। इसका रीजन क्या है CH2 होने का? देखो अगर आप जब इसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये होगा, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये होगा ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, जितना यहां पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होगा उतना ही उधर भी लग रहा होगा, तो जिससे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है, तो CH2 इज राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डाइपोल मूवमेंट इज, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट अब बोला गया वेक्टर और स्केलर बोथ होता है, वेक्टर होता है या फिर स्केलर होता है। अब अगर हम बात करें डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। तो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट ये क्या बताता है? डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, क्या बताता है? डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, तो जिस वजह से ये क्या हो जाता है? जिस वजह से ये वेक्टर हो जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया हमारा? वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट फाउंड इन। आप सभी पढ़ते आ रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो आपने देखा है इस ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा है फोन में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि फोन में पाई जाती है। फोन का मतलब क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट फाउंड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन नंबर 4th इज राइट आंसर। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है, अमंग LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द करेक्ट ऑर्डर। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो करेक्ट ऑर्डर है वो इनमें से कौन सा, हमारा जो सीक्वेंस है वो फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है?
कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर की वो क्या होता है, प्रोपोर्शन टू क्यू वन क्यू टू बाय आर। ठीक, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम अपनी पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब यहां पर देख लो कौन कौन दे रखा है, लिथियम दे रखा है, ठीक, बेरिलियम दे रखा है, फिर बोरॉन है, फिर कौन है, कार्बन है। तो इट मीन्स इस तरह से बढ़ेगा। कैसे, अगर यहाँ देखो यहाँ पर प्लस का ये होगा, ये माइनस, यहाँ प्लस टू, यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस थ्री होगा, यहाँ पर प्लस फोर हो जाएगा। तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ठीक, आयन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आया। यहाँ पर भी माइनस का फोर, Cl होगा माइनस में, क्लियर। तो यहां पर इस ऑप्शन को अगर देखोगे तो यही ऑप्शन है जो सही ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो 59 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डन। समझ में आया इतना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, एज द एस कैरेक्टर ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज, यानी कि किसी एस कैरेक्टर का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है डिक्रीज कर रहा है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो सबसे पहले तो जो आपका एस ऑर्बिटल के लिए चीजें जो दे रखी है, सबसे पहले तो वो लिखो, ठीक, sp3 हो गया, sp2 हो गया और sp हो गया, ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, इनमें एस कैरेक्टर कितना कितना है जल्दी से बताओ, और इनका एंगल कितना होता है। इसमें एस कैरेक्टर होता है 25%, अभी पढ़कर आए हो आप, ठीक। इसमें होता है 33.3%, इसमें कितना होता है 50%, ठीक। बॉन्ड एंगल की अगर यहाँ बात करें तो ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। sp3 में कितना होता है, sp3 में अगर आप बात करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 109.109 डिग्री 5 मिनट, इसका 120 हो जाएगा, ठीक। sp2 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हमारा जो आंसर होगा, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम अगर इस साइड से देखें, ठीक है, इस साइड से देखिए, हमें अगर इस तरह से लिखते हैं sp sp2 sp3, तो इस हिसाब से फर्स्ट इज राइट, ठीक है, क्योंकि हमें s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो s कैरेक्टर डिक्रीजेस फॉर्म में इस तरह से हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। तो इससे द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिल्कुल सही है, ठीक। सेकेंड क्या कह रहा है यहाँ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये भी सही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्लियर। इतना समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर वन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 और XeF4 आर, इनके मॉलिक्यूलर शेप आपको बताने हैं, सेम होंगे कितने लोन पेयर्स के साथ। अच्छा, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखो तो अगर आप लोन पेयर फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो SF4 में लोन पेयर कितना होगा, SF4 में जो लोन पेयर होगा वो 1 होगा, ठीक है, SF4 में 1 लोन पेयर होगा। और CF4 की अगर बात करो, यहां पर XeF4 की बात करो, कितने लोन पेयर होंगे, यहां तो 2 हो जाएंगे, ठीक, यहां पर कितने हो जाएंगे, 2, CF4 में 0 हो जाएंगे, 0 लोन पेयर, क्लियर, क्योंकि 4 हैं, चारों ही बॉन्डेड पेयर हैं। यहां पर देखो 6 होते हैं लेकिन 2 यहां पर बच रहे हैं, तो 1 लोन पेयर। उधर देखो वहां पर 4 हैं और 4 हमारे लोन इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 2 लोन पेयर बन गए। तो यहां पर देखो सीक्वेंस क्या फॉलो होना चाहिए, 1 0 2, ठीक, यहां पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, यहां पर 0, यहां पर 1 लोन पेयर। तो इसमें से देखो ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 1 0 2 1 0 2 कहां है, ये 2 0 1 है, गलत, ये 1 1 1 है, ये भी गलत, ये 0 1 2 है, ये भी गलत। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा सही हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डिफरेंट होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, 1 0 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 62
62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम नंबर किसी वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो ये तो सबको पता है 4 होते हैं, ठीक 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर देखो तीन कंपाउंड दे रखे हैं, BF3, NF3 और NH3, ठीक। BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है ड्यू टू सिमिट्री, ठीक है। NF3 का डाइपोल मूवमेंट NH3 के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है NF3 से, ठीक। क्यों ऐसा होता है, रीजन ये है कि अगर जब हम इनका डाइपोल मूवमेंट देखते हैं तो जो वेक्टर होता है वो सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, वहां पर ऐड नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो जिसकी वजह से जो NH3 का डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, NH3 का ज्यादा है, ठीक, उससे कम NF3 का है, फिर सबसे कम BF3 का है, ठीक। ये सीक्वेंस ढूंढ लो अपने ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस देखो कहां पर क्या बताना है, सही ऑर्डर बताना है आपको। तो सही ऑर्डर क्या बन रहा है यहां पर, NH3 NF3 BF3, यानी कि फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। समझ में आया 63 तक के क्वेश्चन, सभी को समझ में आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व इन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल किस वाले हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं सबसे ज्यादा उसमें ऑब्जर्व करे गए हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा sp3d2 में, ठीक। अच्छा देखो इसका यहां पर क्या हो रहा है, ठीक, तीन जो होते हैं 180 होते हैं और मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल इसमें ही पाए जाते हैं, इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर, ठीक, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, MX6, ठीक, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड्स फ्रॉम 2s 2s, 2p 2p एंड 2s 2p ओवरलैपिंग, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या बताया, डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अगर हम बात करें तो सबसे क्या होगा सीक्वेंस 2p 2p, फिर किसकी हो जाएगी 2s और 2s 2p, ठीक, 2s 2p, देन एट द एंड 2s 2s। तो ये वाला जो आपका फॉलो करेगा यहाँ पर सीक्वेंस, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सीक्वेंस मैच कर लो एक बार, क्या होगा सीक्वेंस हमारा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट सीक्वेंस होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो क्या आइडेंटिफाई करना था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक, इन द बॉन्ड्स फॉर्म 2s 2s, 2p 2p और 2s 2p। तो देख लो यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन BF4- आयन। BF4- आयन में ये क्या बोल रहा है, टोटल लोन पेयर्स कितने होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका आंसर तो पता ही है सभी को क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें BF4 का स्ट्रक्चर देखें, ठीक, BF4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इस तरह से एक एक तो इसने बना लिए, ठीक, यहाँ माइनस भी है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे तो इसके पास आउटर शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, एक 7 के साथ बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पर अगर देखोगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर इतना समझ में आया, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा होगा, समझ में आया ना, इतना ये स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर समझ में आया। काउंट कर लो कितने लोन पेयर हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो जल्दी से, देखो इसको फिर से बनाते,
ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, तो कितने हो गए, 12, कितने हो गए यहाँ पर, 12 हो गए, ठीक, एक यहाँ पर बचा है ना, ये माइनस है, ये एक और हो गया, तो 12, फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इतना समझ में आया सभी को, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो देखो क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल इज, तो O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ, जो भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, देन क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ठीक, यही तो बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, मैच कर लो एक बार कॉन्फ़िगरेशन, आप सभी ने यही बनाया है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक, तो सब में दो दो आ जाएगा, ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये भी दो, यहाँ पर भी दो, ये भी दो, ठीक, यहां तक की चीजें समझ में आई, फिर यहां पर भी टू सेम, इधर भी यहाँ वन और वन, क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वन और वन हो जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो आंसर विल बी टू, आंसर विल बी टू, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर सिग्मा स्टार पी एक्स और बराबर सिग्मा स्टार टू पी वाई में वन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टू है, ठीक है। नेक्स्ट 68, कैल्सियम कार्बाइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो सी के बीच में अगर हम बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई, यही तो बन रहा है ना, 1 सिग्मा 2 पाई, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इतना समझ में आया सभी को, क्योंकि जब हम CaCO2 देखेंगे ये प्लस टू हो जाएगा ना, ये प्लस टू हो जाएगा, बाकी जो हमारा कैल्सियम जो है प्लस टू हो जाएगा वो माइनस टू में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 69, 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर द फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इज वीक बिकॉज, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा ड्यू टू रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो दो फ्लोरीन एटम है ना, उन एटम्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, द रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू फ्लोरीन एटम इज लार्ज, ठीक, रिपल्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें नहीं है, तो अगर हम H2O की बात करें, इसमें इंटरमोलिकुलर होती है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर होती है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी कि अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, यहां पर आपका जो बॉन्डिंग होती है वो इंट्रा होती है, वो क्या होती है, यहां पर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं होकर इंट्रा मोलिकुलर होती है, ठीक, सेम कंपाउंड में ही यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, क्लियर, समझ में आया तक, नोट डाउन कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला जो ओ होगा यहाँ पर बॉन्डिंग बना रहा होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर और एक्सपेंड करके बनाओगे तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग दिख रही होगी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेटेड चेंज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, NH3 एक्ट एज अ लुईस एसिड, या रेगुलर ज्योमेट्री इज चेंज, तो यहाँ पर अगर आप अमोनिया को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है,
अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये जो NH4 है ना, ये CH4 की तरह बिहेव करता है, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। और इसका अगर हम एंगल की बात करें 109 डिग्री 25 मिनट, ये होता है। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल डिफाइन हो गया। NH3 का बॉन्ड एंगल आप सभी पढ़ते आ रहे हो कितना होता है, 107 होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ही क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्लियर, यहाँ 107 था, यहाँ 109 हो गया है। कितना हो गया, 109, ये 5 होगा। ठीक है, 5। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। तो यहाँ पर जो लीनियर नहीं है वो कौन है, H2। बहुत फेमस है, H2 का जो शेप होता है बेंट होता है। कैसा होता है, बेंट होता है, आप सभी को पता है। ठीक, यहाँ पर H2O का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेंट होता है। ठीक, क्लियर, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर होता है, BH2 भी लीनियर होता है, BF2 भी लीनियर होता है। H2O जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, देख रहे हैं ना, बेंट शेप है, मुड़ा हुआ है शेप। ठीक है, तो यहाँ पर 72 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन। 72 का आंसर फोर्थ वन। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल डाईपिरामिडल जो होता है हमारा, यानी कि बाईपिरामिडल sp3 में, जो ज्योमेट्री में जो भी हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं इन्वॉल्व, वो कौन कौन से होते हैं, dz² होता है। कौन सा होता है, dz2। ठीक है, समझ आया। लेकिन अगर यहीं पर sp3 d2 की बात कर देता तो क्या करते, तो यहां पर dx² - y² और dz². ठीक है, ये ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन sp3 की अगर हम बात करें, या sp3d की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर dz² ऑर्बिटल जो होगा, dz2, वो इन्वॉल्व होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन, नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन। अभी अभी आपने पढ़ा है sp3 जो हमारा ऑर्बिटल होता है, इसमें ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 25%। ठीक है, ये कितना होता है, 75%, यानी कि ये कितना है, 3/4, ये कितना है, 1/4। तो देख लो s कितना है, यहाँ पर s 1/4 कहीं है, नहीं है, इसका मतलब p के ही केस हमारे सही हो सकते हैं। तो p कहाँ पर है, 3/4, यानी कि यही वाला राइट है ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, समझ में आया। 74 का थर्ड, s जो होता है वो 1/4 होता है और p जो होता है वो 3/4 होता है। अब ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए ऑप्शन देखो s के केस में, पहले देखो s के केस में 1/4 कहीं नहीं है। ठीक है, s के केस में 1/4 कहीं नहीं है, तो p के केस में आ जाओ, p के केस में 3/4 है कहीं, तो p के केस में 3/4 हमें थर्ड ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कौन सा हमारा मॉलिक्यूल है जो शो करेगा। देखो ये क्या है, मिथेन है, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आसपास हमारे जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट है, वो सेम है। ठीक, सेम है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा हमारा, वो जो डाइपोल मूवमेंट शो करेगा वो सेम वाले में, सिमेट्री वाले में नहीं करेगा, जो डिफरेंट है उनमें शो करेगा। इट मींस डिफरेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म है जिसमें डाइपोल मूवमेंट शो होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक, यानी कि हमारा जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके आसपास सेम टाइप एलिमेंट होते हैं, जो डाइपोल मूवमेंट जो होता है ना, वो जीरो हो जाता है। ठीक, लेकिन क्लोरोफॉर्म के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से सेंट्रल एटम घिरा हुआ नहीं है। क्लियर, तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट क्लोरोफॉर्म का होगा। 75 का थर्ड इज राइट आंसर, मार्क कर लो। नेक्स्ट 76
76 कह रहा है केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज, ठीक है, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज रिपल्शन अट्रैक्शन. क्या केमिकल बॉन्ड में सिर्फ रिपल्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है या फिर दोनों होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बैलेंस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक, केमिकल बॉन्ड्स में. समझ आया 76? क्लियर है? नेक्स्ट 77. 77 कह रहा है द बॉन्ड एंगल एच ओ एच इन आइस इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि आइस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसा होता है. तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा होता है. टेट्राहेड्रल अभी आपको बताया है कि उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक, टेट्राहेड्रल की तरह बिहेव करता है, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन विल राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट 78 कह रहा है द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3 4. तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यहां पर क्या हो जाएगा, चार तरफ CH3 जोड़ दो, यहां पर एक, यहां पर एक, एक यहां पर जुड़ जाएगा और एक यहां पर जुड़ जाएगा. तो देखो आपको थोड़ा सा टेट्राहेड्रल लग रहा है ना ये, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, शेप तो हमें पता हो गया टेट्राहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री पता हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि ये सही है, ठीक, क्लियर है. तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ वन, आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन. बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक. हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितना हो गया, sp3 हो गया टेट्राहेड्रल का ना, मीथेन का जैसे लिखते हो, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक. नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड, CO बॉन्ड, CC बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड. तो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है ना, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इनमें C और C में होगी, ठीक. उसके बाद अगर हम देखें, चलो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो केस बनाया गया है वो छोटे से बड़े के लिए, तो यहां पर कहीं जाकर ये होगा. फिर उसके पीछे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का होगा, ठीक, फिर उसके बाद जो केस बनेगा हमारा वो बनेगा यहाँ पर कार्बन और कार्बन हो गया, फिर बनेगा कार्बन और डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक, क्लियर, ये केस बनेगा. समझ में आया? तो केस समझ में आया सभी को. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन डायमंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन डायमंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ दीज रिएक्शन देयर विल बी डेल्टा एस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज बोल रहा है निगेटिव होगी. तो यहां पर एंट्रोपी चेंज किसके लिए निगेटिव होगी, चार रिएक्शंस दे रखी है, तो यहां पर अगर हम डेल्टा एनजी निकाल लें सबके लिए, तो यहां पर डेल्टा एनजी सबके लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो माइनस आएगी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यानी कि अगर ये निगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो यहां पर आंसर क्या होगा, और सेम चीज फेजेस भी तो चेंज हो रहे हैं, यहां पर गैस से ये लिक्विड हो रहा है, और जब ये लिक्विड हो रहा है तो रैंडमनेस चेंज हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रही है एंट्रोपी, क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, ठीक. तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सबके लिए पॉजिटिव होगी, अगर आप निकालोगे डेल्टा एनजी बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगी, डन, ठीक है. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. 82 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल, यानी कि W लिख लो कितना है, 8 जूल दे रखा है, ठीक, 8 जूल वर्क डन. और यहां पर अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय अ सिस्टम है तो ये माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस हो गया. अब इसी तरह आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट, यानी कि जो क्यू है वो 40 जूल है, क्यू है 40 जूल है, फाइंड द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन यहां पर जीरो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 8, इट मींस कितना हो गया, 32 जूल.
तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो गया, 32 जूल हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर वो माइनस रखोगे भी ना, तो एट द एंड वो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में, तो 32 जूल इज राइट आंसर। ठीक है, 32 जूल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शंस मैच करो तो 32 प्लस का, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई? चलो नेक्स्ट, 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नॉट फॉर अ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होती है किसी रिएक्शन के लिए, वो कैसी होती है? वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, ना ही निगेटिव होती है, मतलब कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है। तो कैन बी पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव। ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट, 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 84 नंबर का क्वेश्चन? यहाँ पर ये बोल रहा है इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 40 किलो जूल मोल इनवर्स, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। यानी कि डेल्टा यू यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, डेल्टा यू इधर ले आओ फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यूज पुट कर दो फटाफट, डेल्टा एच कितना दे रखा है, डेल्टा एच देखो कितना देगा, 41 दे रखा है, डेल्टा एच इज 41 माइनस एन जी अगर निकालो कितना दे रखा है यहाँ पर, डेल्टा एन जी 1 है। ठीक, 1 हो जाएगा इंटू आर क्या हो जाएगा 8.3, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर केल्विन में चेंज करोगे तो 373। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 37 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 90। ठीक, 37.90। क्लियर? तो फॉर्मूला मेनली आपका ये लगा है, इस फॉर्मूले को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी ही है जो हमारा 37 को डिनोट कर रहा है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे फिर, गलत हो जाएंगे। क्लियर? ये क्या है, 904 है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन रिलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड एंट्रोपी चेंज। तो इसके बीच में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, यानी कि डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में जो रिलेशन है, द इक्वेशन रिलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी और जो एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज है, वो क्या होता है, आपकी बुक में लिखा है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशनशिप होता है गिब्स, जो हमारी फ्री एनर्जी होती है, एंट्रोपी चेंज होती है जो हमारी, और एंथैल्पी चेंज होती है। तो ये इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन कौन से सही होंगे, हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया? चलो 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट फंक्शन, कौन सा प्रोसेस है जो स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वर्क, वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन को डिपेंड, पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पाथ फंक्शन को, बाकी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी ये सब क्या है, ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो वर्क इज राइट आंसर, वर्क जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन, समझ में आया यहां तक? 87 87 क्या कह रहा है, द एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो हमारा एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर? चल नेक्स्ट, 87 तक पहुंच गए। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, एंट्रोपी चेंज फॉर एन
इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये भी सेम यहाँ पर क्या होगा, द एंट्रोपी चेंज फॉर यानी कि डेल्टा एच जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो बाकी के ऑप्शंस गलत। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो गई है, जो किसके इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी के। ठीक, लेकिन कैसी, निगेटिव। कैसी हो जाएगी, निगेटिव। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी भाई, एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल, और यहां पर के माइनस मोल माइनस वन। ठीक, ये होती है आपकी एंट्रोपी की यूनिट, नोट डाउन कर लो। ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, फटाफट ऑप्शंस के अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जेके माइनस वन मोल माइनस वन, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, यानी कि 90 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, 40 क्वेश्चन अप्रोक्स हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोइंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पर एक्सपेंशन की बात आ गई है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एस किसी आइडियल गैस की, कैसे जा रही है वो, किसमें वो चल रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो कि कैसे है, एक्सपेंशन वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस इज करेक्ट। तो इन सब में जो आइडियल गैस के लिए है, देखो यहाँ पर आइडियल गैस है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसे बहुत ध्यान से देखना है, फॉर आइडियल गैस। अब यहाँ पर एंट्रोपी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, तो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, एस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्यू बाय टी, दिस वन इज राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, क्यू जीरो होता है, तो यही वाला ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था, इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। तो आइडियल गैस के लिए जो यहाँ पर बोला इंटरनल एनर्जी होती है किसी आइडियल गैस के लिए, वो डिपेंड करती है ओनली फॉर टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर ओनली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ओनली। क्लियर। नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 30 किलो जूल। ठीक, अब ये बोल रहा है मोल इनवर्स एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज 75 जूल मोल इनवर्स केल्विन के इनवर्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज 1 एटीएम। तो यहां पर आपको बताना है क्या आंसर हमारा राइट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दे रखा है, डीएस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल। ठीक, क्यू रिवर्सिबल के लिए, डी क्यू रिवर्सिबल के लिए अपॉन में टी, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, टी ही आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप टी फाइंड आउट करोगे तो यहां पर ये टी हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी एस। वैल्यूज रख दो, दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, 30 अपॉन 75। आप देखो 30 अपॉन 75 तो रखोगे, लेकिन यहाँ पर 30 किलो जूल है, तो 10 into 10 to the power 3। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 400। ठीक है, 400 केल्विन हो जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, 400 केल्विन ही आएगा आंसर। ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है 96 नंबर का क्वेश्चन, द एंथैल्पी रिलेटेड टू द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेटर नोन एज। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है और बोला जा रहा है कि एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी रिलेटेड है फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन को ध्यान से देखो, मिथेन है गैसेस फॉर्म में जिसको हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया है, देखो कार्बन फिर चार हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, तो इसे हम बोलते हैं इंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो +1685 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन नहीं होगा, बॉन्ड इंथैल्पी नहीं है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज अकंपाइड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फोर्थ वन होगा, वन मोल गैसेस 50 डिग्री सेल्सियस और वन मोल गैसेस 30 डिग्री सेल्सियस। तो जिनके लिए एंट्रोपी जो हमारी हो जाएगी क्या होगी, कौन से प्रोसेस के लिए डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के लिए। ठीक, क्लियर, यहां तक की चीजें समझ में आई? चलो नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस जो कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? एंट्रोपी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, इंथैल्पी चेंज जो होता है हमारा वो जीरो होगा, ये सारे चेंजेस दे रखे हैं, और गिब्स जो चेंज होगा एनर्जी वो जीरो होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो हमारा होगा एंट्रोपी चेंज होगा वो जीरो होगी। एंट्रोपी चेंज क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। असर्शन क्या कह रहे हैं? द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एंथैल्पी चेंज होता है वो डिपेंड करता है रिएक्शन के फिजिकल स्टेट्स पर, ठीक, उनके फेजेस पर, चाहे वो प्रोडक्ट के हों चाहे वो रिएक्टेंट्स के हों। ठीक, यानी कि ये तो ट्रू हो गया, ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। रीजन इसका कह रहा है एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी ट्रू है। बट यहां पर देखो एंथैल्पी की बात करी गई है, जो एंथैल्पी की बात करी गई है वो करी गई है पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए एंथैल्पी चेंज की बात करी गई है। लेकिन नीचे रीजन में जो बात करी गई है वो पर्टिकुलर एंथैल्पी की ही बात करी गई है, एंथैल्पी चेंज की प्रॉपर्टी की बात की है। तो दोनों एक दूसरे के लिए रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ट्रू बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन की। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 100 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। असर्शन बोल रहा है मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि सीपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि सही है, जो कि क्या है? सही है। ठीक है, जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक, वो क्या है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब देखो यहां पर उसका रीजन क्या दे रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कौन है? रीजन। ठीक, ये रीजन जो है वो असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यानी कि हमारे जो 100 तक के क्वेश्चंस हैं उसका पेपर डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, यानी कि टेस्ट नंबर 7 जो कि सेमी मेजर टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी आपकी जोरदार होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए और साथ ही साथ नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से करने वाले हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।